मित्रों, गर्मियों के दिनों में हम सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ठंडा पिएं, और ये ठंडा पेय अगर मीठा हो फिर तो क्या एकदम मज़ा ही है। आज हम एक प्रयोग करेंगे ये जानने के लिए कि शक्कर चीनी गर्म पानी में जल्दी घुलती है कि ठंडे पानी में। देखिए, इसके लिए हम दो ग्लास लेंगे, एक में गर्म पानी है, दाएं वाले ग्लास में गर्म पानी है और बाएं वाले में ठंडा पानी है, और दोनों ग्लासों में हम एक एक शुगर का क्यूब डाल देंगे और फिर देखेंगे कि ठंडे पानी में या गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुलती है। अब आप दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि गर्म पानी में बहुत तेज़ी से एक्टिविटी हो रही है, घुलनशीलता बहुत अधिक है, जबकि ठंडे पानी में क्यूब बिल्कुल ठंडा पड़ा है। यानी गर्म पानी में जो शक्कर का क्यूब है वो बहुत जल्दी घुल जाता है, ठंडे पानी में नहीं। क्यों है ना मजेदार प्रयोग? अब इसी प्रयोग को हम शक्कर की बजाय नमक से दोहराएंगे। सबसे पहले गर्म पानी में एक चम्मच नमक डाल दें, उसके बाद में एक चम्मच नमक आप ठंडे पानी में डाल दें, और इन दोनों ग्लासों को आप ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि ठंडे पानी में कहीं ज़्यादा गतिविधि है, जबकि गर्म पानी में नमक हमको तली पे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, ज़रा इसके बारे में सोचें आप।